ये गोगा जी महाराज हैं जो इनके यहाँ एकता के प्रतीक है। सभी बिरादरी के लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हिंदू मुस्लिम और सिख पूरे भारत की जो हमारी सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है वो है ये मंदिर। इस मंदिर में दोस्तों सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। दोस्तों ये मंदिर का मुख्य गेट है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये उर्दू में कुछ कलमें लिखी हुई है जो उर्दू धर्म में होता है उस प्रकार से लिखी हुई है। तो अभी दोस्तों हम देख रहे हैं, आप हम आगे हैं मंदिर के अंदर और आप देख रहे हैं दोस्तों ये है गोगा जी की जो समाधि है, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे आपको ज्योत दिखाई दे रही है दोस्तों, ये अखंड ज्योत है गोगा वीर जी की और आप देख रहे हो कि इसमें प्योर मक्खन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी उनसे बात करते हैं। उनका नाम क्या है? जमशेद राणा जी। तो एक साथ कितने पुजारी रहते हैं इस मंदिर में? जी इसके अंदर 12 महीने मंडन पुजारी है, 1 महीने बादों के मेले के टाइम में जो ब्राह्मण पुजारी आते हैं वो हमारे साथ सेवा पूजा करते हैं। हमारे घर में शादी है छोटे भाई की और बाबा को निमंत्रण देने के लिए आए हैं, पूरे परिवार को, बाबा का जो सब पूरे परिवार को निमंत्रण है, मतलब जो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है और आगे हम वर्षों से इसको मानते आए हमारे देवता है। 1500 आदमियों के लिए खाना एनी टाइम यानी फ्री टाइम बनता है और मेले के टाइम तो कम से कम 10,000 बंदों का खाना सुबह और 10,000 का शाम को बनता है। अच्छा, मेले के समय जो गोगा जी का स्थान है वहाँ के दर्शन करने के बाद या बाहर आया था तो बाहर आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रसादी चल रही है, भंडारा चल रहा है। आप देख रहे हैं आलू की सब्जी है, जो भंडारे वाली आलू की सब्जी होती है वो है, साथ में पूड़ी है और उसके साथ में अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये है खीर। यहाँ पे देखो चावल है और इसके साथ में भाई इसमें क्या है? इसमें सब्जी है। सब्जी है इसमें। तो ये पूरा एक ही परिवार है और इनकी जो मन्नत है वो पूरी होने के बाद में ये प्रसादी वगैरह चलती है। तो किसकी मन्नत पूरी है, क्या यहाँ पे हुआ है, आइए जानते हैं इन भाई साहब से। नमस्कार जी, आपका नाम? सुभाष। सुभाष जी, तो आज किस खुशी में आप ये भंडारा करवा रहे हो, क्या हुआ? ये गोगा जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी की हमारे पर कृपा है, भगवान की सुख शांति है सारी, स्वस्थ है सारी, इस खुशी में हम भंडारा कर रहे हैं, परिवार के साथ आए हैं। हाँ, कितने लोगों को आप खाना खिला रहे हो, कितने लोग हैं? लोग जितने भी लोग आ जाते हैं 500,000 जितने भी आ जाए खड़ा के जाते हैं खाना। और देखिए पृथ्वीराज जी आगे हैं खीर लेकर। मैं खीर लेके आ गया हूँ टेस्ट करने के लिए, मेरी बहुत बिल्कुल जो इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है तो हम भी थोड़ा इसमें थोड़ा ले लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। तो मैं भी खीर लेकर आता हूँ। बढ़िया सागर जी, आप भी खा लो। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे कैमल राइडिंग भी है, अगर आप करना चाहते हैं तो कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं क्या रेट है। कितना रेट है तो आप ऊंट गाड़ी ऊंट के लिए? ऊंट के लिए 50 रुपया सवारी है। 50 रुपये सवारी? हाँ जी। कितने चक्कर कटाते हो आप? 2 चक्कर, एक ले जाते हैं एक वापस लेते हैं। अच्छा, ले जाने के वापस लेने के 50 रुपये? हाँ। कम रेट भी आपके? और क्या, गरीब आदमी है, माल है, टाइम पास होती है। आते हैं मतलब दर्शक आते हैं आपके साथ? हाँ हाँ आते रहते हैं, मान लो कोई दाढ़ी पड़ जाती है, कभी दाढ़ी पड़ जाती है, कभी कौन पड़ती है, ऐसे ही है। हाँ, तो ऊंट को आपने बहुत बड़ी सजा रखा है, मतलब हाँ। आप देख रहे हैं तो इन्होंने ऊंट को कितना अच्छा सजा रखा है। ये बाबा का डमरू है, ये साथ में आपने गले में लगा के, ये बाबा गुग्गा चारपीर बाबा की है, चाबुक है। गुफा के अंदर एंट्री करने से पहले आप देख रहे हैं ये बड़ा सा मुख्य है, इसके अंदर जाना पड़ता है और इसको ऐसे बनाया गया है। गुफा पहले एक गुफा थी लेकिन अभी इसको दर्शन के हिसाब से जो डिजाइन किया गया है उस हिसाब से इसको मुख वगैरह बनाया गया है। लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले और कैसा लगा ये वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।